डर स्टूडेंट्स इन फिफ्थ यूनिट ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस लेवल्स ऑफ लेजर यानी ले, लेजर के विभिन्न लेवल सो फर्स्ट वी आर टेकिंग द थ्री लेवल लेजर इट इज शोन इन फिगर जरा इस फिगर को देखिए ये तीन लेवल हैं लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री इनकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी है e1, e2, e3 जो के इनक्रीजिंग ऑर्डर में है और इनमें नंबर ऑफ एटम्स यानी पॉपुलेशन है n1, n2, n3 टू एन थ्री जो ऑर्डर में है इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट यह स्टेबल स्टेट और यह एक्साइडेड स्टेट जो कि पम्ड स्टेट है और यह है तीन ट्रांजिशन यानी पहली से तीसरी के बीच में ये पंप ट्रांजिशन है और जब एटम ग्राउंड स्टेट से फोटोन रिसीव करके एक स्टेट में जाते हैं तो वहां पर बहुत ही कम टाइम तक रुकते हैं और वहां से वो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के द्वारा कुछ एनर्जी लूज करके और बहुत ही कम समय में टू दी पावर माइनस एट सेकेंड एवरेज में वो फिर वो मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं और यहां पर वो एक्मुलेट होना शुरू करते हैं चूंकि यहां पर लाइफ टाइम उनकी थोड़ी ज्यादा रहती है इसके बाद में कोई फोटोन यहां पर आकर उन्हें एस्टिमुलेट करता है तो वो फिर वो नीचे की तरफ आते हैं और यहां से लेजर का ट्रांजिशन होता है ये तीन ट्रांजिशन है इट इज शोन इन फिगर द एनर्जीज ऑफ थ्री लेवल्स आर ई वन ई टू ई थ्री

यानी कि इन दोनों स्टेट में बिल्कुल ना के बराबर एटम्स होते हैं लेट द एटम्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट आर पम्प्ड ए नंबर ऑफ एटम्स आर एक्साइटेड टू हायर हाईएस्ट एनर्जी लेवल इ थ्री दिस लेवल हैज ए वेरी फास्ट वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम पावर माइनस फाइव सेकेंड टू टेन टू दी पावर माइनस एट सेकंड सो एटम्स डेके फास्ट टू लेवल ई टू जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत ही कम समय बाद तेजी के साथ में एक्साइटेड स्टेट पंप स्टेट से वो मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं दिस ट्रांजिशन इज यूजली वेरी फास्ट एन एंड नॉन रेडिएटिव इ टू हेज रिलेटिवली लॉन्गर लाइफ टाइम पावर माइनस थ्री सेकंड टू टेन टू दी पावर माइनस फोर सेकेंड इट इज कॉल्ड एज मेटा स्टेबल स्टेट और यही है E2, और उनकी टेंडेंसी एटम की ई टू में इकट्ठा होने की होती है वेन स्टेट ई टू इज मोर पॉपुलेटेड देन ई वन यानी जब एटम्स की संख्या e2 में E1 के मुकाबले ज्यादा हो जाती है लेजर ट्रांजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन e2, टू विच इज अपर लेजर लेवल एंड ईवन विच इज लोअर लेजर लेवल और तब जाकर के लेजर ट्रांजिशन होता है e2 से E1 के बीच में सिंस द लोअर लेजिंग लेवल इज द ग्राउंड स्टेट ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है चूंकि जो लोअर लेवल लेजर uh, लेवल है वो ग्राउंड स्टेट है इट मेक्स रादर डिफिकल्ट टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन तो इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन को मेंटेन uh, करने के लिए अचीव करने के लिए काफी कठिनाई होती है देयरफॉर फोर इट्स एफिशियंसी इज लोअर और यही रीजन है कि थ्री लेवल लेजर एफिशियंसी में कम होती है फॉर एग्जाम्पल रूबी लेजर यानी थ्री लेवल लेजर का एग्जाम्पल है रूबी लेजर

मेटा स्टेबल स्टेट और पम्प्ड लेवल या एक्साइटेड स्टेट ये इनके नाम हैं चार ट्रांजिशन पहला पंप ट्रांजिशन जो वन से फोर के बीच होती है फिर दूसरा है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन ये काफी फास्ट होता है जो कि फोर और थ्री के बीच होती है फिर लेजर ट्रांजिशन जो कि थ्री और टू के बीच होती है और लास्ट में नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन ये भी फास्ट होता है और ये टू से वन के बीच होता है इनर्जीज आर ई वन ई टू ई थ्री ई फोर एंड पॉपुलेशन आर एन वन एन टू एन थ्री एन फोर जैसा कि मैंने बताया रेस्पेक्टिवली हियर ई वन इज लेस देन ई टू लेस देन ई थ्री लेस देन ई फोर यानी कि जो इनर्जी लेवल्स हैं वन ए टू थ्री ए फोर ये इनक्रीजिंग ऑर्डर में है ए थ्री एंड ए टू आर इंटरमीडिएट लेवल्स। ई थ्री और ई टू माध्यमिक लेवल हैं, इंटरमीडिएट लेवल हैं। ई थ्री इज अपर मेटा स्टेबल लेवल एंड ई टू इज लोअर मेटा स्टेबल लेवल। थ्री अपर मेटा और ई टू लोअर मेटा स्टेबल लेवल्स हैं इन दिस सिस्टम द एटम्स आर पंपड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ई वन टू एक्साइटेड स्टेट ई फोर जैसा मैंने पहले ही समझा दिया था फ्रॉम ई फोर द एटम्स डिक बाई ए फास्ट नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन टू ई थ्री और ई फोर से फास्ट डिक के द्वारा एटम ई थ्री में नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के थ्रू आ जाते हैं इफ लाइफ टाइम ऑफ ट्रांजिशन ई फोर टू ई थ्री इज शॉर्ट एंड दट ऑफ ई थ्री टू ई टू इज लॉन्गर यानी यदि लाइफ टाइम ई फोर से ई थ्री में ट्रांजिशन का कम होता है जबकि ई थ्री से ई टू का लॉन्ग होता है ए पॉपुलेशन इन्वर्जन बिट्वीन स्टेट थ्री एंड टू में भी अचीव्ड तो स्टेट थ्री और टू के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाता है एंड विद मॉडरेट पंपिंग और मॉडरेट पंपिंग के द्वारा वो मेंटेन भी रहता है द ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट थ्री एंड टू इज लेजर ट्रांजिशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लेजर निकलती है वो थ्री और टू के बीच में ही निकलती है इसलिए ये हमारा लेजर ट्रांजिशन है अब देखते हैं कि आखिरकार आगे क्या होगा दी एटम्स ऑफ ई टू लूज देयर एक्सेस एनर्जी बाय नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन और जब वो ई टू में आ जाते हैं तो अपनी एक्सेस एनर्जी को नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन द्वारा लूज करते हैं एटम्स और फिर वो निश्चित रूप से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं अब यहाँ ये देखते हैं कि इस आ, फोर लेवल लेजर की एफिशेंसी ज्यादा क्यों होती है सिंस लोअर लेजर लेवल ई टू इज नॉट ग्राउंड स्टेट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो लोअर लेजर लेवल है वो ग्राउंड स्टेट नहीं है देयर फोर इट इज इजियर टू मेंटेन पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन ई थ्री एंड ई टू इसलिए E3 और E2 के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन को मेंटेन करना बहुत इजी है और यही कारण है कि इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है देयर फोर इट्स एफिशियंसी इज हायर द एग्जाम्पल ऑफ फॉर लेवल लेजर इज हीलियम न्योन लेजर और इसका एग्जाम्पल लेयर है लेजर है एडवांटेज देख लेते हैं फोर लेवल के तीन मेन एडवांटेज हैं हायर एफिशिएंसी यानी फोर लेवल की एफिशिएंसी थ्री लेवल से ज्यादा होती है लोअर रिक्वायर्ड पंपिंग रेट और जो पंपिंग रेट है वो भी कम चाहिए और थ्री है बड़ा इंपॉर्टेंट कंटिन्यूस ऑपरेशन इज पॉसिबल यानी कि फोर लेवल लेजर कंटिन्यूस होती है जबकि थ्री लेवल लेजर जो होती है वो पम्प्ड लेवल होती है या पल्स लेवल लेवल होती है यानी वो रुक रुक के आती है जबकि फोर लेवल की जो लेजर है वो कंटिन्यूस आती है सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस लेवल्स ऑफ लेजर थैंक यू सो मच